बिजनौर के थाना मंडावर इलाके के गांव अंगाखेड़ी गांव में पिछले एक सप्ताह से एक गुलदार का जोड़ा दो छोटे बच्चों सहित गांव के खेतों में घूमते हुए देखा जा रहा है, जिसे आसपास के गांव वाले दहशत में हैं। अंगाखेड़ी के ग्राम प्रधान संजीव कुमार का कहना है कि हमारे इलाके में पिछले एक सप्ताह से गुलदार अपने पूरे परिवार के साथ घूमते हुए देखा जा रहा है। इसकी जानकारी हमने वन विभाग के अधिकारियों को दे दी है और कर्मचारियों ने क्षेत्र में दौरा किया और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। ग्रामीण अकेले खेतों में जाने से डर रहे हैं और इकट्ठे होकर ही खेतों में जा रहे हैं। इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। ये लोगों पर हमले का प्रयास भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनके द्वारा अभी तक घायल नहीं हो पाया। एक ग्रामीण बहार आलम ने बताया कि घोड़ा बुग्गी से अपने घर वापस लौटते वक्त एक अजीब सा जानवर खेत से अचानक बाहर निकला। मेरे पीछे आ रही मोटरसाइकिल की लाइट लगने से वो वापस भाग गया। देखने में वो गुलदार लगा। हो सकता है घोड़े के पैरों की आवाज सुनकर वो खेत से बाहर निकला हो और लाइट देख कर वापस भाग गया हो। जी, मेरा नाम बहार आलम है और मैं जो हूँ माचकी से आ रहा था, और अंगाखेड़ी जब मैंने पार किया तो हमारे गांव का चक है सादीपुर अंगाखेड़ी के बीच में, तो दयाराम सिंह का चक है। वहाँ से एकदम से एक अचानक सी चीज़ निकली, मैंने देखा क्या है, तो वो ऐसा है जैसा गुलदार होता है, उस पर चिटकारे चिटकारे से बने हुए हैं। वो वहाँ आकर एकदम से खड़ा हो गया, तो इतने में ही पीछे से एक बाइक आई और उसकी जो लाइट पड़ी तो वो एकदम से अंदर को चला। आप कहाँ से थे? मैं घोड़ा बुग्गी से था। घोड़े की जब उसने आवाज़ सुनी टप 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 टप, तो वो एकदम से निकल कर भागा। तो आप पे हमला नहीं करा? नहीं, मुझ पर कोई हमला उसने नहीं किया। वैसे और लोगों ने भी यही बताया कि वहाँ जो है वो जानवर 10-12 दिन से वहीं है। क्या गुलदार ही है? गुलदार बता रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने जंगली जानवर के होने की सूचना दी है। टीम भेजकर वहां पर गश्त कराई जा रही है, जनता को भी जानकारी दी जा रही है। पिंजरा लगवा दिया गया है, जल्द ही पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जी, मैं अकबरपुर अंगाखेड़ी से संजीव कुमार हूँ, ग्राम प्रधान। यहाँ हमारे क्षेत्र में लगभग एक सप्ताह से गुलदार देखे जा रहे हैं और जिससे ग्रामवासियों में और क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। इसकी सूचना मैंने बिजनौर जो वन अधिकारी हैं सतीश कुमार जी को दी, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने वन कर्मचारी यहाँ भेजे और उन्होंने यहाँ पर एक पिंजरा लगाया है, जिससे अभी भी गाँव में दहशत का माहौल है और उसके साथ साथ सभी लोग जो है किसान हैं अपने खेतों पर एकत्रित होकर इकट्ठे होकर जा रहे हैं और अपना सेफ्टी बरत रहे हैं। तो क्या गुलदार अभी भी देखा जा रहा है? गुलदार देखा जा रहा है अभी। क्या एक ही गुलदार है या कोई और भी है? नहीं, बताया जा रहा है कि नर मादा है दोनों और बच्चे भी हैं उनके साथ में विद फैमिली। तो किसी को घायल किया अभी तक? नहीं, उन्होंने एक दो पे हमला किया है लेकिन घायल नहीं हुए हैं, बच गए।